हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अमित स्पेशल। कैसे हैं आप सब लोगों में, तो आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं नान की रोटी। जी हाँ, नान की रोटी, वो भी स्पेशल तरीके से, नो अवन, नो ईस्ट एंड नो एग। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बगैर यूज़ किए हम आपको नान की रोटी बनाना बता रहे हैं। घर पे तवे के ऊपर बनाएंगे हम, इंस्टेंट बनाएंगे, बहुत ही ईजी बनता है ये। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए, इसके लिए हम लेंगे 1 कप वार्म मिल्क, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और 1/4 कप कर्ड लेंगे हम, दही लेंगे, और 1 टेबलस्पून शुगर लेंगे हम, और ऑयल लेंगे हम 3 टेबलस्पून ऑयल, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए इसमें। अब हम एक और एक बर्तन में अब हम लेंगे 3 कप्स मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून। हमने जो मिक्सचर बनाया है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से आटे को नीट कर लेंगे हम। आहिस्ते आहिस्ते ऐड कीजिए और ये मिक्स कर लेंगे हम, सारा डो बना लेंगे इसका। अच्छे से आटे को गूंद लीजिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट रोटी बनती है ये। देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो ये। इसके हम इक्वल पार्ट्स बना लेंगे हम, ये देखिए। इसको हम अच्छे से, इसका अच्छे से बॉल बना लेंगे और हम इसे बेलेंगे। इसमें आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईस्ट भी नहीं लिया है हमने इसमें, अंडे का भी यूज़ नहीं किया है इसमें हमने। अब इसको हम रोल कर लेंगे, इसको ऐसे ओवल शेप में आप रोल कर लीजिए। इसके ऊपर आप कलौंजी डालिए, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम, थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए उसके, हरा धनिया ऐड करेंगे इस पर, कोथमीर। इसको बेलन से अच्छे से इस पर प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छे से लग जाए रोटी पे। अब हम इसके पीछे के साइड इसको अच्छे से पानी से लगा लेंगे, पानी लगा लेंगे इसके ऊपर, और एक लोहे का तवा लेंगे हम, और इसको 5 मिनट अच्छे से पहले गरम कर लेंगे, फिर इसके ऊपर ये रोटी डालेंगे। इसको पहले हाई फ्लेम पे रखिए आप, बाद में आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा हाथ वगैरह जल रहा है तो। ये देखिए, इसके बबल्स आ रहे हैं, कितने खूबसूरत से रोटी बन रही है ये। बहुत ही अच्छी नान की रोटी बनेगी आप ये। अब ये हम जैसे यहाँ से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे इसे हम पलटाएंगे। ये देखिए, ये साइड भी अच्छे से पक जाएगी ये नान की रोटी। घर पे इंस्टेंट बना सकते हो आप ये, बहुत ही अच्छा रहेगा ये। इसमें हम ओवन भी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें एग भी यूज़ नहीं करेंगे हम। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसका कलर देखिए, लाइट ब्राउन आया है। ऐसे ही सारे रोटी बना लेंगे, सारी नान की रोटी बना लेंगे। रोटी बनने के बाद आप चाहे तो इस पे बटर लगा सकते हो, या फिर आप इस पे घी भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी चाहे वैसा लगा सकते हो। बहुत ही सौंधी, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। खाली भी खा सकते हो आप, या फिर आप मटन मसाला या कोई भी आप सालन से खा सकते हो इसे। ये देखिए, हमने बेल लिया है इसको, कलौंजी और धनिया लगा लिया है इसके ऊपर, हरा धनिया, इसके ऊपर पीछे पानी लगाया है। अब इस पर हम तवे पे डाल देंगे। तवे को अच्छा गरम करके ही डालिए आप, नहीं तो वो अच्छा नहीं बनेगा, आपकी रोटी ख़राब हो जाएगी नान की रोटी। तवे को अच्छे से गरम कीजिए आप पहले 5 मिनट, फिर उसके बाद ऐसे डालिए। अब एक साइड से जैसे बबल्स आएंगे इसमें, आप देख सकते हो
जैसे ही बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, बबल्स आने के बाद हम एक मिनट के बाद इसे पलटा देंगे। तवे पे से नहीं गिरेगी रोटी, आप ये आराम से कर सकते हो। आपको पानी जो हमने लगाया है रोटी के पीछे, इससे ऐसे तवे पे स्टिक रहेगी रोटी, ये नान की रोटी। तो अभी बबल्स आना शुरू हो गए हैं, अब हम इसे पलटा लेंगे तवे को। ये देखिए ऐसे पलटा लीजिए आप, और हाई फ्लेम पे आप इसे सेकिए, ये साइड भी। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रही है, ब्राउन कलर आ रहा है, ये आप देख सकते हो। हम आपके लिए सारे रोटी, सारे जितने भी बनाए हैं, हम सारे बनाकर बता रहे हैं, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि एक बनाया है और नहीं बनाए होंगे। तो हम सारे बनाकर बता रहे हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छे से सिक रही है ये। इसको आप अच्छे से चारों तरफ रोल कर लीजिए। इसके ऊपर हमने बटर लगाया है, ये बन गई है रोटी दूसरी हमारी। इसके ऊपर हमने बटर लगाया है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सौंधी, बहुत ही अच्छी मज़े की रहेगी। तो चलिए बाकी रोटी भी बनाएंगे हम। ये पीछे है, ये देखिए सामने है। कलौंजी लगाया हमने, इसमें कोथमीर लगाया है यहाँ पर। अब इस पे तवे पे डाल देंगे हम। पीछे पानी ज़रूर लगाइए आप, नहीं तो आपकी रोटी इस पे तवे पे नहीं चिपकेगी, रोटी गिर जाएगी। जैसे भी आप तवा पलटा हो गए, रोटी गिर जाएगी, तो आप पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और रोटी आपको कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी, ये नान की रोटी सारी पक जाएगी चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाएगी, कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी ये। हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही प्रोसेस फॉलो कीजिए आप, वैसे ही बनाइए, तो आपकी रोटी भी हमारे जैसी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, मटन रेसिपीज़ है, नहारी के रेसिपीज़ है, मटन के बहुत सारे रेसिपीज़ हैं आप, तो वो इसमें से कोई सी भी रेसिपी आप इसके साथ बनाकर खा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे नान की रोटी की रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर आप बटर लगा लीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये बहुत ही इंस्टेंट और ईजी बन जाती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, नो ओवन नो ईस्ट नो एग का। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और कमेंट करके बताइए हमको कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं। तो चलिए बाकी के नान की रोटी भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इस पे। आपको अच्छे से पहले आपका तवा गर्म होना चाहिए, आप इसके लिए लोहे का तवा ही लीजिए। आप जो नॉन स्टिक पैन्स रहते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि वो पैन ख़राब हो जाएगा आपका। लोहे का जो मोटा अच्छा रहता है तवा, वो ही लीजिए आप, तो अच्छे से बनेगा ये। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इस पे। अब हम इसे पलटा लेते हैं। ये देखिए पूरी गोल जैसे भी रोटी आपकी, वो पूरे साइड्स पे आप इसे पलटा लीजिए। थोड़ा देख कर पलटाइए, नहीं तो कहीं आपका हाथ जल ना जाए, तो आप ज़रा केयरफुली आप इसे हैंडल कीजिए। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है ये, इंस्टेंट घर पे बन जाएगी, आपको बाहर से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी होममेड रहेगी, आपके हाथ से बनी हुई रहेगी, सफाई के साथ, और बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज रहती है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें और कुछ भी आप टेस्ट के लिए ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, कितने अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। ये देखिए हमारी सारी रोटियां बहुत ही अच्छे से बन रही हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी भी रोटियां ऐसे ही बनेंगी, इंस्टेंट बन जाती है। इसके लिए आपको ईस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है, आपको अंडे की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर मैदा दूध बस यही है इसके एक दो तीन इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी आपका मन करे, बारिश का सीज़न है, गरम गरम बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी रहेगा। ये देखिए इसे हम पलटा कर भी सेक रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, झटपट बन जाएगा,
और आपके हाथ का रहेगा ये बना हुआ, और एनी टाइम आप बना सकते हो, आपको बाज़ार से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है कुकिंग के और पौधों के भी वीडियोस है, आप वो भी ज़रूर देखिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी ये वीडियोस पहुँचाइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएँ आपके लिए। हमारे चैनल पे नहारी के वीडियोस है आपके लिए, बिरयानी के वीडियोस है, बहुत ही अच्छे यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। ये देखिए हमारे सारे नान की रोटी बन गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा आया है, टेस्ट भी अच्छा है इसका। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।